टीकमगढ़ जिले के खरगापुर तहसील अंतर्गत ग्राम चौबारा चक्का गोई माता स्टेडियम में स्वर्गीय नन्नीलाल विश्वकर्मा की स्मृति में हो रही दसवें शासन द्वारा मान्यता प्राप्त क्रिकेट टूर्नामेंट के दसवें दिन गुरुवार को मुख्य अतिथि जिले के मुखिया कलेक्टर सुभाष कुमार त्रिवेदी रहे। राज्य स्तरीय से आई दोनों टीमों सहित समिति और आयोजक हरिशंकर विश्वकर्मा को हार्दिक शुभकामनाएं दी और बताया जा रहा है कि टूर्नामेंट मध्य प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त अर्ध शासकीय है और अगले वर्ष से विजेताओं को 1,00,000 और उपविजेता 50,000 सील कप सहित पुरस्कृत किया जाएगा। ये जो राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट कराया जा रहा है और ये हर साल, मैं पहले भी आ चुका हूँ, हर साल विश्वकर्मा जी इसको और पूरी समिति कराती है। ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, मेरे ख्याल से टीकमगढ़ जिले का एकमात्र ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में दर्शक आते हैं और निश्चित रूप से इस तरीके की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन से एक प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है और एक खेल भावना विकसित होती है जो आदमी के विकास, व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत सहायक होती है। तो महोदय ने भी आज अनाउंस किया कि अगले साल का जो टूर्नामेंट का पुरस्कार है वो 1,00,000 रुपये विजेता टीम के लिए रहेगा और द्वितीय 21,000 रहेगा, जो कि पिछले बार से बहुत ज़्यादा बढ़ के, इस बार से बहुत ज़्यादा बढ़ के, बल्कि 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये आगे आने वाले जो खिलाड़ी हैं उनके लिए एक बड़ा चुनौती का विषय है और वो बहुत ऊर्जा से, बहुत अच्छी तैयारी के साथ अगली बार और आएंगे। देखिए, हमें शासन द्वारा, हमारे सम्माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा और हमारे क्षेत्र के सम्माननीय SDO महोदय द्वारा इतना हमको एक अनुभव के साथ उनका सहयोग मिला है कि उन्होंने सारी व्यवस्थाएं हमें राइटिंग वर्क में दी हैं और ऐसा अगले टाइम में राइटिंग वर्क में देंगे तो इस आयोजन को हम बढ़ चढ़ के और करेंगे। और हमारे कलेक्टर महोदय द्वारा अगली घोषणा की गई है कि अगले वर्ष के हम इस दस दिवसीय टूर्नामेंट में 1,00,000 रुपये का पुरस्कार विजेता टीम को देंगे और उप विजेता को 21,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।